सो गेमर्स वेलकम बैक इन अनदर एपिसोड ऑफ अम्यूजिंग ट्यूटोरियल्स। तो जहाँ तक मुझे याद है ये है एपिसोड 8 ऑफ अम्यूजिंग ट्यूटोरियल्स और आपका स्वागत है एक और एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप लोग पिछले एपिसोड देख के आए हो और अगर नए हो तो यार कोई बात नहीं है, अगर वीडियो पसंद आएगी तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर देना, इसके लिए मैं पोस्ट नहीं करूँगा। आपको पसंद आए ना आए कोई बात नहीं, हम तो वीडियो बनाते रहेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि हम लोगों ने बनाया एक कस्टमाइज फ़ोन जो कि उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया, क्योंकि मैंने रिएक्शन नहीं देखा और ये सीधे जस्ट एपिसोड 7 के शूट के बाद ही मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता किस टाइप का रिएक्शन आया है क्योंकि अभी तक एपिसोड 7 जो है अपलोड भी नहीं हुआ मेरे हिसाब से, पर आप लोगों के हिसाब से तो आप लोगों ने देख भी लिया है। तो गाइज मैंने सोचा है कि जो हमारे कुक्ड चिकन फार्म्स होंगे और बोला जाए तो मॉब क्रशर्स होंगे, उनको हमने एक बोला जाए तो यूनिक प्लेस प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि यार देखा जाए तो हमारे सामने जो चीज़ें हैं काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें, जैसे कि हमने एक पॉन्ड बना लिया कस्टमाइज और ये हमारा एन्चेंटिंग स्टेशन व्यू भी थोड़ा सा मेडिवल थीम का है, हमारा घर भी थोड़ा सा मेडिवल थीम का है, तो क्यों ना इसको एक फूड टावर में बनाया जाए। हमने तो मटेरियल्स कलेक्ट कर ही लिए, हमारे पास काफ़ी सारे मटेरियल्स हैं बनाने के लिए, पर हमारे पास जो चीज़ नहीं है वो है ज्ञान। तो यानी कि यार बताना पड़ेगा कि क्या क्या मैकेनिज्म यूज़ होते हैं और कैसे क्या चीज़ें वर्क करती हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, अगर बनाना है तो उसके पहले हमें जानना पड़ेगा, और ये जगह कुछ खास नहीं है यार। तो एक काम करते हैं, वर्ल्ड चेंज करते हैं और फिर हम चलते हैं अपने रेडस्टोन वर्ल्ड में, यानी कि ट्यूटोरियल वर्ल्ड में, और वहाँ बताता हूँ कि भाई मैकेनिज्म कौन कौन से यूज होने हैं। सो गेमर्स हम लोग आ चुके हैं हमारे इस सर्वाइवल वर्ल्ड में। तो देख सकते हो यार मेरे पीछे कुछ सामान रखे हैं, कुछ हॉपर्स वगैरह रखे हैं, तो इनके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हॉपर्स की। तो हॉपर्स बोला जाए तो आइटम ट्रांसपोर्टर होते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि इसका एरो इस तरफ है, जो कि इसके फनल के डायरेक्शन से हम पता कर सकते हैं। ये मैंने रिसोर्स पैक लगाया जिससे आप देख सकते हो कि भाई इसका डायरेक्शन कहाँ जा रहा है। तो बेसिकली ये ट्रांसपेरेंट ब्लॉक टाइप के होते हैं बोला जाए तो, जिसके कारण हम चेस्ट वगैरह को ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इनमें आइटम डालते हैं, जिस भी तरफ इनका डायरेक्शन रहेगा वहां पर ये आइटम पहुंचा देंगे। हम इनके ऊपर आइटम डायरेक्ट भी थ्रो कर सकते हैं, जैसे कि जैसे ही हम इस पर आइटम थ्रो करेंगे तो देख सकते हो आइटम यहाँ पर चला गया, ना ही इनमें रुकेगा, वो सीधे डायरेक्ट यहाँ चलेगा। इन्हें हम किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, हम इनके एक के ऊपर एक लगा सकते हैं, जैसे ही हम इनके ऊपर एक लगाएंगे तो यहाँ रुक जाएगा। तो जैसे देख सकते हो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बेसिकली एक इन्वेंटरी टाइप का या फिर बोला जाए तो एक चेस्ट टाइप में भी वर्क करेगा, जहाँ पे आइटम स्टोर हो सकते हैं। तो इसके 5 स्लॉट होते हैं देख सकते हो, मतलब टोटल 5 स्टैक आइटम्स या नॉन स्टैकेबल 5 आइटम्स ये अपने में स्टोर कर सकता है। तो आप बात कर लेते हैं इनको प्लेस कैसे किया जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसको ऐसे करके किसी ब्लॉक पर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें इसे किसी भी हॉपर पर प्लेस करना है, मतलब हॉपर से हॉपर कनेक्ट करना है, तो हमें शिफ्ट करके प्लेस करना होगा, जिसके कारण हम देख सकते हैं डायरेक्शन में हो रहा है। तो जैसे ही हम इसमें आइटम प्लेस करेंगे वैसे ही आइटम ट्रांसपोर्ट होके इस लास्ट वाले हॉपर में पहुंच जाएगा। अगर यहाँ पे हम चेस्ट लगाते तो चेस्ट में आइटम पहुंच जाता, चेस्ट अभी खाली है, इसमें हम रखेंगे तो आइटम सीधा हमारा चेस्ट में आ जाएगा। हम इन्हें लॉक भी कर सकते क्योंकि रेडस्टोन कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे ही अगर हम कोई भी रेडस्टोन पावर सोर्स यहाँ पे प्लेस करेंगे तो बेसिकली ये वाला हॉपर लॉक हो चुका है, मतलब इससे अब कोई भी आइटम ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। जैसे ही हम करेंगे इससे तो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा ना ही यहाँ आएगा, आइटम है केवल यहाँ पे, मतलब ये एक तरीके से इन्वेंटरी टाइप में वर्क कर गया। तो आप इससे आइटम ऊपर से नीचे भी ला सकते हो, पर आइटम नीचे से ऊपर नहीं जा सकते। जैसा कि देख सकते हो अगर हम इस वाले में प्लेस करेंगे तो आइटम ऊपर वाले में नहीं आएगा, अगर हम ऊपर वाले में प्लेस करते हैं तो आइटम ऊपर से नीचे जरूर आ जाएगा। ओके सो ये थी वर्किंग अबाउट हॉपर्स। अब बात कर लेते हैं एंटिटी क्रैमिंग के बारे में। सो बेसिकली माइनक्राफ्ट आपको एक ब्लॉक पर मैक्सिमम 24 मॉब्स रखने की इजाजत देता, अगर इससे एक भी ज्यादा मॉब हुआ तो अपने आप वो जो ओल्ड मॉब्स रहेंगे उनको अपने आप मार देगा, ताकि जो नए वाले मॉब्स रहे यंग मॉब रहे उनको जीने का एक और मौका मिले। तो इसका डेमोंस्ट्रेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने एक कन्फाइनमेंट चेम्बर बनाया हुआ है जहाँ पे मैं कुछ काउस को स्पॉन करूंगा 23 24। तो यहाँ पे अब 24 है, अगर मैं एक और काउ स्पॉन करूंगा तो अपने आप मर जाएगी एक काउ। देखते हैं एक और स्पॉन करता है, जैसे देख सकते हो एंटिटी क्राइमिंग के कारण वो अपने आप मर गई। तो गाइज आपने देखा एंटिटी क्राइमिंग के कारण जो यंगर मॉब्स थे वो बच गए और बाकी के जो ओल्ड मॉब्स थे वो मर गए। तो इसके कारण हमें 7 रॉ बीफ और कुछ लेदर मिला। तो देख सकते हो ये काफी इफेक्टिव है, आप इस तरीके से एक मॉब फार्म बना सकते हो, आप नीचे वाटर रखोगे तो डायरेक्ट वो लोग ऊपर आ जाएंगे, जिसके थ्रू आप इनको ब्रीड कर सकते हो, जिसके कारण ये अपने आप ये वर्क करने लगता है। इसी का ये एक अलग मेथड है जहाँ पे हमने हॉपर वगैरह यूज किया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो हॉपर इस चेस्ट पे पॉइंट कर रहा है, मतलब जो भी आइटम रहेगा वो इस वाले चेस्ट में आ जाएगा, जैसे कि चेस्ट खाली है। जैसे ही हम इसमें स्पॉन करते हैं सबसे पहले तो देख सकते हो एंटिटी क्राइमिंग के कारण कुछ लोग मारे और हमारा आइटम यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं एक और रेडस्टोन कंपोनेंट की, जो कि हमें हमारे ऑटोमेटिक कुक्ड चिकन फार्म बनाने में यूज आएगा, बोल सकते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि है ऑब्जर्वर।
तो देख सकते हो भाई, ऑब्जर्वर इसको इसलिए बोला गया क्योंकि ये चेंजेस डिटेक्ट करता है। जैसे ही अगर हम इसके सामने कोई भी ब्लॉक रखेंगे तो देख सकते हो एक शॉर्ट टिक की पल्स जनरेट करता है। टिक बोला जाए तो एक सेकेंड में बेसिकली 20 टिक्स होती हैं। तो जी हाँ, ये माइनक्राफ्ट का टाइम शेड्यूल वगैरह को दर्शाने के लिए टिक्स यूज करते हैं। तो देख सकते हो जैसे ही इसमें कोई चेंज होगा, एक टिक की पल्स जनरेट होगी जो कि हमारे इस रेडस्टोन लैंप को लाइट कर देगी। तो जैसे ही इसके सामने कोई भी ब्लॉक में मूव होता है, या तो ब्लॉक मूवमेंट हो सकता है या तो ब्लॉक ब्रेकिंग या ब्लॉक प्लेसिंग, उसको ये डिटेक्ट करेगा और जनरेट कर देगा। तो ये दूसरे ऑब्जर्वर्स में भी चेंज को डिटेक्ट कर सकता है। जैसे कि हम अगर इस वाले ऑब्जर्वर के सामने कोई चेंज करेंगे तो ये वाला ऑब्जर्वर उसे डिटेक्ट करेगा और ये वाला लैंप हमारा जो रहेगा जल जाएगा। देख सकते हो जैसे ही कोई चेंज डिटेक्ट हुआ वो जल गया। इसके थ्रू हम रेडस्टोन क्लॉक भी बना सकते हैं। जैसे ही हम इसके सामने एक और ऑब्जर्वर प्लेस करेंगे, एक दूसरे का चेंज डिटेक्ट करेंगे जिसके कारण एक कांस्टेंट सिग्नल जनरेट होगा जो कि हमारे लैंप को लिट अप रखेगा। तो आगे बढ़ते हैं कॉम्परेटर की ओर। तो कॉम्परेटर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है रेडस्टोन का। रेडस्टोन बेसिकली कई सारी चीज़ों में यूजफुल हो सकता है। तो जी हाँ, ये कॉम्परेटर रहता है, ये काफ़ी एसेंशियल सर्किट है रेडस्टोन का। तो देख सकते हो भाई, रेडस्टोन की इस सर्किट या बोला जाए तो इस कंपोनेंट का नाम ही है कॉम्परेटर, मतलब ये कंपेयर करेगा। तो इसके दो मोड होते हैं, कंपेरेटर और एक होता है सब्ट्रैक्टर। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर रिसोर्स पैक लगाया हुआ है। तो इस वाले जो पावर सोर्स से अभी जनरेट हो रहा 14 और यहाँ से हमें 14 का सिग्नल मिल रहा है। मतलब ये देखिएगा कि भाई कौन सा सिग्नल सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जैसे कि यहाँ पे हमारा सिग्नल जनरेट हो रहा है वो पहुँच रहा है यहाँ पे 13, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है यहाँ पे 14, क्योंकि यहाँ पे 15 जो रहता है सबसे मैक्सिमम रहता है। एक पावर सोर्स मैक्सिमम 15 ब्लॉक का पावर जनरेट करता है जो कि सबसे मैक्सिमम पावर रहता है रेडस्टोन का। तो यहाँ पे हमें 14 मिल रहा है और यहाँ पे 13 मिल रहा है, तो ग्रेटर ऑफ कोर्स 14 होगा। तो ये कॉम्परेटर 14 को शो करेगा। और एक मोड होता है सब्ट्रैक्टर, मतलब जो पावर रहती है और दूसरी जो इनपुट रहता है उसके बीच में सब्ट्रैक्शन करेगा। तो जैसे ही हम सब्ट्रैक्शन मोड में ऑन करेंगे तो देख सकते हो 14 और 13 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, केवल 1। तो जी हाँ, ये 1 आउटपुट दे रहा है। तो ज़्यादा डीप में हमें जाना नहीं है, बस हमें थोड़ा सा बेसिक ज्ञान चाहिए। तो बेसिकली जो कंपैरेटर रहता है वो हमारे जो ब्लॉक्स रहते हैं, जैसे कि ये हॉपर हो गया या फिर ये चेस्ट वगैरह हो गई या अदर ब्लॉक्स, उनके हम बोला जाए तो कितने एंटिटी उसके अंदर प्रेजेंट हैं उसको काउंट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इसके अंदर कुछ आइटम्स रखेंगे तो देख सकते हो भाई, इससे पता चल गया कि इसके अंदर कुछ है, तो ये सिग्नल जनरेट करता है और ये हमारा रेडस्टोन सिग्नल लिट हो गया। तो जी हाँ, इस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं इसको कि भाई ये एक तरीके से सेंसर के रूप में यूज़ कर सकते हैं कि भाई कोई चीज़ अगर जनरेट हुई है वो हॉपर के अंदर आई है, वो डिटेक्ट कर लेगा और ये रेडस्टोन पल्स जनरेट कर देगा। जो हमारे कॉम्परेटर रहते हैं वो ब्लॉक के थ्रू भी किसी आइटम के अंदर कितने एंटिटी प्रेजेंट है वो भी बता सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बीच में एक ब्लॉक है और यहाँ पे चेस्ट है। तो जैसे ही हम इसके अंदर आइटम रखते हैं तो देख सकते हो डिटेक्ट कर लिया कि भाई एक आइटम है। से हम अगर डिवाइड कर देते हैं तो देख सकते हो कि भाई अभी थोड़ा सा जनरेट हुआ है एक और सिग्नल। तो देख सकते हो दो पावर का हमें सिग्नल मिल रहा है और ये हमारा रेडस्टोन लैंप टर्न ऑन हो गया है। तो इसी प्रकार हम यूज़ कर सकते हैं हमारे कॉम्परेटर को। तो अब बात कर लेते हैं हमारे डिस्पेंसर की। डिस्पेंसर भी हमारा मेजर रेडस्टोन कॉम्पोनेंट है जो कि हमें इस फार्म में यूज आएगा। तो जैसा कि हम डिस्पेंसर के नाम से जान सकते हैं कि इसका काम है डिस्पेंस करना। तो बेसिकली दो ड्रॉपिंग कंपोनेंट्स होते हैं हमारे माइनक्राफ्ट में, एक होता है ड्रॉपर और एक होता है डिस्पेंसर। पर जो काम डिस्पेंसर कर सकता है वो काम ड्रॉपर नहीं कर सकता। ड्रॉपर का काम होता है केवल उसे आइटम फॉर्म में ड्रॉप करना, बल्कि जो हमारा डिस्पेंसर रहता है वो उससे थ्रो कर सकता है, बेसिकली प्रोजेक्टाइल शूट कर सकता है और अदर थिंग्स कर सकता है। जैसे कि अगर हम इसमें वाटर बकेट रखते हैं और इसे रेडस्टोन सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, जैसे लेवल टर्न ऑन करेंगे देख सकते हो भाई ये डिस्पेंस कर दिया वाटर को। ये ऑटोमेटिक क्रॉप फार्म्स बनाने में यूज़ आता है। जैसे ही हम अगर इसको डिस्पेंस करेंगे तो अंदर वाली बाल्टी खाली हो गई है। तो जी हाँ, इस प्रकार से वर्क करता है। हम इसके थ्रू अदर चीज़ें भी डिस्पेंस करा सकते हैं, जैसे कि लावा हो गया, लावा भी डिस्पेंस करा सकते हैं। डिस्पेंसर्स एग भी थ्रो कर सकता है, प्रोजेक्टाइल वगैरह, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे उसने प्रोजेक्टाइल थ्रो किया। और डिस्पेंसर मॉब भी स्पॉन कर सकता है, जैसे कि देख सकते हो हमने इसके अंदर मॉब काऊ रखा था तो ये मॉब काऊ स्पॉन हो गया। बस कुछ चीज़ों के साथ डिस्पेंसर लिमिटेड होते हैं, जैसे कि सीड वगैरह प्लांट नहीं कर सकता और फिर बोला जाए तो सैपलिंग वगैरह प्लांट नहीं कर सकता वगैरह वगैरह चीज़ें, पर इसके बावजूद ये काफ़ी यूजफुल चीज़ होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पता चल गया कि भाई आखिर में ये चीज़ें काम कैसे करती हैं और कैसी यूज़फुल होने वाली ये सारी चीज़ें हमारे ऑटोमेटिक कुक चिकन फार्म को बनाने में। तो अब इसी के साथ चलते हैं वापस और बनाते हैं हमारे कुक चिकन फार्म को।
गेमर्स, फाइनली हमारी बिल्डिंग ख़त्म हुई और हम लोग अपने बिल्डिंग टाइम लैप्स से बाहर आए। तो देख सकते हो यार, थोड़ी बहुत से ज़्यादा ही ट्विकिंग कर ली है मैंने, मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही बह गया। सबसे पहले तो मैंने ये पाथ ब्लॉक बनाया हुआ है, पाथ ब्लॉक बोला जाए तो रोड बनाई हुई है। थोड़े बहुत ब्लॉक्स यानी कि हमारे स्टोन एंडेसाइट और नॉर्मल स्टोन जो कि हमारी सिल टच पे कैसे हमें मिली थी उसका यूज़ करके, और कुछ बुशेस वगैरह लगाई हैं आसपास में जो कि एक बाउंड्री टाइप का प्रोवाइड करती है इस रोड को। थोड़े बहुत स्टोन वगैरह लगाए हैं, जैसे कि देख सकते हो स्टोन वगैरह का कुछ यूज़ नहीं है, लेकिन ये पेबल्स को दर्शाते हैं कि भाई जो रोड है ये पथरीली रोड पे पेबल्स वगैरह हैं। थोड़ी बहुत बाउंड्री वगैरह है, लाइटिंग की दिक्कत नहीं है, और ये कस्टम ट्री वगैरह लगाए हैं एक दो मैंने यहाँ पर, क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए। तो ये रास्ता ले जाता हमें अपने इस टावर की ओर। तो देख सकते हो इस साइड कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, इस साइड जो है मैंने हल्की से ज़्यादा ही ट्विकिंग की है। तो देख सकते हो एक छोटा सा एरिया है, बोल सकते हैं कि यहाँ पे कुछ हॉर्सेस वगैरह रहते हैं और कुछ फूड वगैरह जैसे कि हे बेल्स हो गई वो यहाँ रहती है। और हे बेल्स कहाँ से आएंगी? तो जी हाँ, सही सोचा आपने, यहाँ पे मैंने वीट फार्म बनाया छोटा सा, क्योंकि यार ये एरिया काफ़ी ब्लैंड दिख रहा था, काफ़ी बोरिंग दिख रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ पे थोड़े बहुत वीट वगैरह उगा लेते हैं। तो ये रहे हमारे वीट, और चिंता मत कीजिए, हर किसी को बराबर पानी मिल रहा है, क्योंकि हमने बीच बीच में वाटर सोर्स ब्लॉक भी ऐड किए हैं। एक वाटर सोर्स ब्लॉक यहाँ पे ऐड है जो कि ऑफकोर्स नहीं दिख रहा है। तो अब चलते हैं अंदर, क्योंकि अब हमें बाकी के काम भी करने हैं। ओके गाइस, तो अंदर जाने से पहले एक दुखद समाचार। पता नहीं, जब मैं बना रहा था तो हमारी सिल्क टच पिकैक्स, जिसे मैंने सिल्क मौत नाम दिया था, वो कहीं गिर गई और डिस्पोन हो गई। तो अभी हमारे पास केवल फॉर्च्यून पिकैक्स है और एक भी सिल्क टच पिकैक्स नहीं है, जो कि काफ़ी अफसोस की बात है। तो जी हाँ, हमें इसके साथ काफ़ी बच बचा के काम करना पड़ेगा। तो चलते हैं अंदर। तो सबसे पहले अंदर आने के बाद हमें दिखता है ये पहला रूम, जिसकी फ्लोरिंग काफ़ी अच्छी सी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्लॉक्स वगैरह लगाए हैं जो कि हमारे नॉर्मल स्ट्रिप्ड ओक ब्लॉक, जिसे हमने स्ट्रिप कर लिया, और प्लैंक्स वगैरह, ये चेस्ट वगैरह, कुछ स्टोरेज, ये रहे हमारे स्मोकर जिनमें अभी कुछ नहीं है, जिनमें हमें बाद में रखने वाले सामान। तो यहाँ से अब ऊपर चलते हैं। यहाँ से ऊपर आने के बाद आप लोग देख सकते हो कि मैंने पहले ही इनको यहाँ पे ला के रख लिया था, क्योंकि मुझे पता था इनको लाने में दिक्कत होगी, इसलिए हमने इन्हें पहले ही यहाँ ला के रख लिया था। तो गाइस देख सकते हो लाइटिंग वायर की कोई दिक्कत नहीं है, सीलिंग काफ़ी अच्छी है जो कि हाफ स्लैब और फुल ब्लॉक से मैंने बनाई है बेसिकली। जी हाँ, यही नॉर्मल डिज़ाइन है। यहाँ पर मैंने स्टेयर लगाई है क्योंकि इसे ओपन करने में और वहाँ जाने में हमें कोई दिक्कत ना हो। बैरल्स वगैरह लगाए हैं ताकि हमें स्टोरेज की भी कोई कमी ना हो। तो अब चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पर। हाँ, और एक बात और, यहाँ पर मैंने ग्लास पेंस लगाए हैं, ग्लास ब्लॉक नहीं, तो इसलिए काफ़ी अच्छा शो मिलता है। और ये रहा हमारा मेन रूम। तो देख सकते हो मैंने पूरा रूम मैक्सिमम स्टोन से कवर किया हुआ, क्योंकि यहाँ पे होने वाला लावा, तो अभी क्या है कि मैंने गेम में फायर स्प्रेड को ऑफ नहीं किया है, तो फायर स्प्रेड के हिसाब से अगर आप कहीं पे भी लावा सोर्स होता है या फायर रहता है, तो वो एयर ब्लॉक को फायर में कन्वर्ट कर सकता है, और आपके जो वुड वगैरह हैं, जो फ्लेम वाली चीज़ें, वो जल सकती हैं। तो इसके लिए आपको जो लावा सोर्स रहेगा या फायर सोर्स रहेगा, उसके बीच में मिनिमम 3 ब्लॉक का डिस्टेंस, और नीचे 2 ब्लॉक का, साइड में 3 ब्लॉक का, और ऊपर 5 ब्लॉक का रखना ही होगा। तो इससे क्या रहेगा कि आपके जो फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स हैं वो नहीं जलेंगे। और हाँ, फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट से बात करने की आई कि भाई हमें चिकन कैसे मिलेगा? तो जब भी आप किसी एनिमल को फायर पर रखते हैं, यानी कि जैसे कि पिग हो गया, शीप हो गया, काऊ हो गई, या चिकन हो गई, जब आप इसको फायर में रखते हुए मारते हैं, मतलब ये लोग जलते हुए मारते हैं, तो ये लोग कुक्ड चिकन या कुक्ड जो भी आइटम ये ड्रॉप करते हैं, मतलब खाने वाली चीज़ जैसे कि मीट हो गया, वो बेसिकली कुक्ड फॉर्म में मिलता है। तो जी हाँ, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके ये हमारा जो फार्म है वर्क करता है। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने ट्रैप डोर लगाया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक देता है इसके विंडो के लिए। यहाँ पे मैंने बैरल्स वगैरह रखे हुए हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं है, पूरा स्टोन है, मतलब नीचे भी फायर नहीं लग सकती, साइड में भी फायर नहीं लग सकती, और ऊपर का ब्लॉक भी काफ़ी हाई है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ऊंचा बनाया। अब चलते हैं ऊपर। तो ये रहा हमारा टावर का सबसे ऊंचा पार्ट, देख सकते हो ज़्यादा कुछ नहीं है, एक आर्च वगैरह बनाया हुआ है, ऊपर वो हमारा जो कैंप फायर है वो जल रहा है, और उसके नीचे हमने रखी है हे बेल। तो आपने देखा होगा कि मैंने हे बेल क्यों रखी, तो भाई जब हे बेल के ऊपर हम कैंप फायर रखते हैं तो स्मोक रहता है और ज़्यादा ऊँचा उठता है। इसके पीछे हमारी लाइटिंग है, हिडन लाइटिंग, जो हमने कार्व्ड पम्पकिन या फिर बोला जाए तो जैको लैंटर्न यूज़ करके बनाया है। तो जी हाँ, कुछ इसी प्रकार है, ये हमारा शैंडलियर भी है। ये रहा हमारा शानदार बेड, मतलब जब भी हम यहाँ पे लेट हो जाएं तो यहाँ पे हम सो सकें। और सोच रहा हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे फेंस गेट क्यों लगाए हैं, तो फेंस गेट इसलिए लगाए हैं ताकि जब भी हमारे पास एलाइट्रा आए तो हम यहाँ से जंप करके टेक ऑफ ले सकें। तो जी हाँ, इसी आइडियोलॉजी के साथ हमारा ये बना हुआ था, और देख सकते हो भाई यहाँ से कितना
अच्छा लुक मिलता है हमें हमारे बेस का, वो हमारा पॉन्ड भी दिख रहा है। तो अब बनाते हैं हमारे फार्म्स को। तो देख सकते हो आइटम्स ये पूरे मेरे पास हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं हमारा मॉप क्रशर। तो मॉप क्रशर बनाने के लिए सबसे पहले हमें 1 ब्लॉक का चैम्बर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इस तरीके से अरेंज कर देंगे इनको। यह वाला ब्लॉक खाली छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे पे चेस्ट आएगी यहाँ पे। अब इस चेस्ट को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब इस पे हॉपर लगा देते हैं। तो सबसे पहले हॉपर बना लेता हूँ जल्दी से मैं। तो ये रहे हमारे हॉपर्स। अब इन्हें शिफ्ट करके यहाँ से प्लेस कर देंगे। तो देख सकते हो इसका डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब जो भी हमारा आइटम रहेगा वो उसमें जाएगा। अब बाकी के ब्लॉक्स भी प्लेस कर देते हैं जल्दी से। ये वाला ब्लॉक यहाँ पे हम खाली छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्पेंसर लगाना है। तो अब डिस्पेंसर को इस डायरेक्शन में हम प्लेस कर देंगे जिससे इसका मुंह उस तरफ रहेगा। पे अब हम बकेट रख देंगे जो कि यहाँ पे वाटर स्प्रेड करेगा, जिससे हमारे जो मॉब्स रहेंगे वो ऊपर आ जाएंगे, जिससे हमें फीड करने में उन्हें आसानी होगी। अब हम अपने मॉब्स को ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो पिक्स को हमें सबसे पहले ऊपर लाना पड़ेगा। तो पिक्स के लिए अब हमें सबसे पहले पिक्स को लूर करना पड़ेगा। लूर करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप ट्रैप डोर लगा सकते हैं। तो जिससे क्या रहेगा, इसे वो मॉब्स फुल ब्लॉक मारेंगे और यहाँ पे फॉल हो जाएंगे। ओके, मेरे को लगता है इन्हें पुश करना पड़ेगा हमें। चलो भाई एक तो चले जाओ अंदर। ओके गाइस, फाइनली बड़ी मेहनत से हमने इनको अंदर कर लिया है। ओके फाइनली अब ये लोग कैद हो चुके हैं अंदर। अब रही बात की भाई आखिर फार्मिंग कैसे होगी, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इन्हें यहाँ पे इस मैनर में अरेंज करना होगा। तो अब यहाँ पे हम एक बटन लगा देंगे, पर बटन लगाने से पहले हमें एक काम और करना है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ये फेंस गेट लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो लाइट है इसका यूज़ करके हम यहाँ पे फेंस गेट लगाएंगे, क्योंकि जब पानी जब आएगा तो हो सकता है ये आपके जो पिग्स हैं वो ऊपर आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे आयरन डोर लगाते हैं। अगर ये ट्रैप डोर यहाँ पे होता तो हम यहाँ पे आयरन डोर लगाते जिससे कि ये पिग्स बाहर नहीं आते। लेकिन अब यहाँ पे हमारी लैंटर्न है, तो यहाँ पे हम ट्रैप डोर लगा देंगे तो इससे ये बाहर नहीं आएंगे। तो अब हम देखते हैं कि वर्क कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे हमने कुछ सीढ़ियाँ रखी थी, सीढ़ियाँ लगा देते हैं सबसे पहले। तो सीढ़ियों का काम ये है कि हम यहाँ पे ऊपर आएंगे और फिर जब ये बटन प्रेस करेंगे तो फिर इनको फीड कर सकते हैं। तो जैसे ही बटन प्रेस करेंगे तो देख सकते हो ये हमारे ऊपर आ गए हैं। तो अब इनको हम आराम से फीड कर सकते हैं, तो जिससे ये एक बेबी होगा यहाँ पे। और जैसे ये 24 जो मैक्सिमम एंटिटी रहती है एक ब्लॉक पे, उससे ज़्यादा एक एक्सीड करेंगे तो अपने आप जो एडल्ट रहेंगे वो मर जाएंगे और जो यंग वाले हैं वो सर्वाइव कर जाएंगे। तो इससे ये हमारा जो फार्म है वो कभी बंद नहीं होगा और ये चलता रहेगा और हमें पोक चॉप्स मिलते ही रहेंगे। तो जो आपकी लूट रहेगी वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी फीड करने के बाद। पानी बंद कर दें, नहीं तो ये आवाज़ करते रहेंगे। इसके लिए बटन प्रेस कर देंगे तो ये हमारा पानी बंद हो जाएगा। तो बस इसी प्रकार से हमें ये दूसरा वाला फार्म भी यहाँ पे बनाना है, तो बनाते हैं इसको जल्दी से गाइस। तो अब हमारा ये जो काउ मॉप क्रशर है वो भी रेडी हो चुका है। तो देख सकते हो थोड़ी सी जगह बची है, कोई बात नहीं। तो देख सकते हो हमने यहाँ पे भी वही सिस्टम किया है, मतलब यहाँ पे भी एक फेंस जो हमारा था स्प्रूस फेंस वो यहाँ पे लगा दिया ताकि जो हमारी काउ है वो यहाँ से एस्केप ना हो। तो सबसे पहले फीड कर देते हैं इनको, वाटर रख दिया है। तो देख सकते हो ये लोग ऊपर आ गए हैं, तो दिक्कत ही नहीं है इनको फीड करने में। तो दोनों को फीड कर देंगे, तो देख सकते हो जी हाँ। तो अब ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे मॉप क्रशर्स ख़त्म होते हैं। तो अब बनाते हैं अब हमारा ऑटोमेटिक चिकन फार्म। ओके, तो मैंने यहाँ पे चेस्ट अलाइन कर दी थी ताकि जो हमारा मास्टरपीस बने वो सेंटर अलाइन बने। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक हॉपर इस डायरेक्शन में पॉइंट करते हुए यहाँ पे प्लेस करना होगा। इसके बाद हमें लेनी होगी हाफ स्लैब, क्योंकि जो हाफ स्लैब रहती है वो यहाँ पे दो काम करेगी। एक तो हमारा जो आइटम रहेगा वो डायरेक्ट यहाँ पे गिर जाएगा, और जो यहाँ पे हमारा लावा रहेगा वो इस हाफ स्लैब तक नहीं पहुँच पाएगा। मतलब जो चिकन्स रहेंगे वो हमारे इस हाफ ब्लॉक जितने ही बड़े होते हैं, मतलब वो लावा से जब तक टच नहीं होंगे जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। तो जैसे ही वो बड़े होंगे लावा से उनका हेड टच होगा, वो लोग बर्न होंगे और सीधे हमारा जो आइटम है वो हमें यहाँ पर मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर दो डिस्पेंसर्स लगाने होंगे कुछ इस प्रकार से, ऊपर फेसिंग नहीं, एक यहाँ पर। तो ये वाला डिस्पेंसर रहेगा वो एग को यहाँ पर थ्रो करेगा। तो जैसे ही एग को थ्रो करेगा यहाँ से चिकन हैच होंगे जो कि केवल इतने बड़े होंगे, और लावा जो रहेगा हमारा केवल इतनी हाइट तक रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से ही वर्क करेगा ये हमारा। तो अब यहाँ पर एक हॉपर यहाँ पर लगा देंगे,
इस डायरेक्शन में पॉइंट करता हुआ और एक हॉपर इस डायरेक्शन में, तो मतलब जो हमारे चिकन्स रहेंगे वो यहाँ पे बैठेंगे और एग्स ले करेंगे, तो एग्स हमारे सीधे इस डिस्पेंसर पे आएंगे जो कि यहाँ पे एग्स को फेंकेगा और एग्स हैच हो जाएंगे। अब यहाँ पे लगा देते हैं कारपेट, क्योंकि जो हमारे चिकन्स रहेंगे वो इसमें फंस ना जाए, इसके लिए हम यहाँ पे कारपेट लगा देते हैं। अब हमें यहाँ पे आउटपुट लेना होगा इनका, तो अब आता है मेन काम। तो सबसे पहले इसके सामने यहाँ पे ब्लॉक प्लेस कर देंगे, कुछ इस प्रकार से ब्लॉक प्लेस कर देंगे। तो अब क्राफ्ट कर लेते हैं हम अपनी कंपैरेटर्स और दो ऑब्जर्वर्स को। तो कंपैरेटर की रेसिपी काफ़ी सिंपल है, और फिर ये रहे, तो ये रहे हमारे कंपैरेटर। तो अब बना लेते हैं अब हमारा ऑब्जर्वर, उसको बना लेते हैं जल्दी से। तो हमें दो ऑब्जर्वर्स की ज़रूरत है, तो ये चाहिए रेडस्टोन और दो क्वार्ट्स। तो जी हाँ, क्वार्ट्स की ज़रूरत है, बिना क्वार्ट्स के कुछ नहीं बन पाएगा। तो ये हमारे ऑब्जर्वर रेडी है। जो कंपैरेटर रहेंगे वो इस वाले हॉपर से आउटपुट लेंगे, तो इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं, और ये वाला इस वाले हॉपर से आउटपुट लेगा। अब यहाँ पे ये सेट हो चुका है, तो अब प्लेस कर लेते हैं हमारे ऑब्जर्वर्स को, शिफ्ट करके प्लेस करेंगे वरना ये सब्ट्रैक्शन मोड में आ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे कर देंगे प्लेस शिफ्ट करके, और ये दोनों प्लेस हो चुके हैं। तो अभी काम करते हैं, इनके बीच में एक ब्लॉक प्लेस कर देते हैं यहाँ पर। इसे शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें शिफ्ट वाला मैकेनिज्म नहीं लगता है। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले ग्लास वगैरह प्लेस कर देते हैं इसके आसपास, ढंग से करना पड़ेगा क्योंकि हमारे जो ब्लॉक्स हैं वो लिमिटेड हैं। तो यहाँ पे हमें दो हाइट का बनाना पड़ेगा सबसे पहले, तो इसलिए यहाँ पे इसको ऐसा प्लेस कर देते हैं, और फिर यहाँ पे सेम प्रोसीजर ग्लास, और फिर ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रेडी हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक काम करते हैं, हम एग्स ले आए हैं हमने, तो एग्स से सबसे पहले हम दो हैचलिंग्स निकाल लेते हैं, किस्मत अच्छी होनी चाहिए, एक निकल गया, दो निकल गए। तो अब बाकी के दो इसमें कर लेते हैं, बाकी तो हम ब्रीड कर ही लेंगे। एक निकल गया, ओके, तो किस्मत काफ़ी अच्छी थी, दोनों निकल गए। अभी तो खैर इसे बंद नहीं करेंगे, तो उससे पहले अभी हमें इन्हें ब्रीड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हमारे ट्रैप डोर्स है, यहाँ पे बेसिकली ये हमारी जो ग्लास ब्लॉक हैं वो प्लेस होंगे जब यहाँ पे दोनों तरफ 24 हो जाएंगे। तो अब क्या करना है हमें, यहाँ पे अब हम एक ग्लास ब्लॉक प्लेस कर देंगे, क्योंकि ग्लास एक ट्रांसपेरेंट ब्लॉक होता है, इसलिए चेस्ट खुल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाहे तो यहाँ पर भी हम एक ग्लास ब्लॉक प्लेस कर सकते हैं यहाँ पर ऐसे। अब हमें रेडस्टोन डस्ट को प्लेस करना पड़ेगा, तो रेडस्टोन डस्ट पे प्लेस करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे प्लेस करेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ, बस हो गया हमारा पूरा काम हो गया। तो जैसे यहाँ पे कोई एग होगा तो वो डिटेक्ट करेगा यहाँ से, ये ऑब्जर्वर उसे डिटेक्ट करेगा, जो कि एक रेडस्टोन पल्स जनरेट करेगा, जो कि ट्रिगर करेगा हमारे इस वाले हॉपर को, सॉरी इस वाले डिस्पेंसर को, नीचे वाले डिस्पेंसर को। नीचे वाले डिस्पेंसर से हमारे एग निकलेंगे और ऊपर वाले डिस्पेंसर से हमारा लावा निकलेगा। तो फिलहाल अभी हम लावा नहीं डाल रहे, वरना ये आग पकड़ लेंगे, जिससे कि हो सकता है कि भाई हमारा पूरा घर ही जल जाए, पूरी मेहनत बेकार हो जाए, तो फिर बाद में हम रख लेंगे। तो फिलहाल मैकेनिज्म इसी प्रकार वर्क करता है। तो ये रहा हमारा लावा बकेट, इसे हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। तो जी हाँ, कुछ इस प्रकार से रेडी है हमारा कुक्ड चिकन फार्म। तो जैसे ही ये चिकन बड़े होंगे, यानी कि 24 यानी कि 48 दोनों तरफ हो जाएंगे, तब फिर हम इसे सील कर देंगे और यहाँ पे लावा रख देंगे। तो जैसे वो एग्स ले करेंगे वो यहाँ आएंगे, यहाँ पे हैच होंगे, लावा गिरेगा, वो जलेंगे, और हमें हमारा आइटम यहाँ पे मिल जाएगा। तो गेमर्स, इसी के साथ अब हम पहुँच चुके हैं हमारे इस एपिसोड 8 के एंड पे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और ये बिल्ड पसंद आया होगा। ओके, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं किया हमने इस वाले एपिसोड में, हमने बनाया इस फूड टावर को, जो कि काफ़ी अच्छा बन के आया है, तो देख सकते हो पाथ वगैरह बनाया, और इसी के साथ ये हमारा एपिसोड एंड पे आ चुका है। सातवें एपिसोड में हमने ये पॉन्ड बनाया था जो कि काफ़ी शानदार था, और इस वाले एपिसोड में हमने बनाया ये फूड टावर जो कि डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव है। तो अब बात कर लेते हैं आने वाले एपिसोड की। तो आने वाले एपिसोड में हम डेफिनेटली लाने वाले विल्जर्स को, और बनाने वाले हैं विल्जर ब्रीडर, जो कि बेसिकली फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी विल्जर रिलेटेड फार्म के। इसके बाद हम बनाने वाले हैं आयरन फार्म और क्रॉप फार्म्स और ट्रेडिंग हॉल, ये सब चीज़ें भी बनती रहेंगी। तो यार, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, अगर आपको देखना है कि भाई आगे हम क्या क्या करने वाले हैं। जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जो भी नई वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Bye.